student. This is our anaphysio class and we are discussing about the endocrine system of human body. हमने अपनी last class के अंदर अपनी previous class के अंदर pituitary gland नाम का topic start किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि pituitary gland जो है एक मटर के आकार की gland है, जिसमें दो लोब्स पाई जाती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टियर पिट्यूटरी, या आप कह सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, और इन दोनों को जोड़ती हुई एक लोब है इंटरमीडिएट लोब। इसके बाद हमने जो हॉर्मोन्स इनसे रिलीज हो रहे हैं तीनों लोब से, उन हॉर्मोन्स के नाम हमने पढ़े थे और अब उन्हीं हॉर्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो उन हॉर्मोन्स में सबसे पहला हॉर्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। आज हम इन सभी हार्मोन्स को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका फंक्शन समझने की हम कोशिश करेंगे अपनी इस क्लास के अंदर। तो हमारी इस क्लास का टॉपिक है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड देयर हार्मोन्स, और सबसे पहला जो हार्मोन हम पढ़ रहे हैं वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ये एक प्रोटीनेशियस हार्मोन है जो कि हमारी बोन्स, मसल्स और दूसरे ऑर्गन्स की ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है हमारी बॉडी के अंदर। आप जानते हैं कि प्रोटीन हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। प्रोटीन ही है जो हमारे अंदर सेल को बना रहा है, सेल वॉल को बना रहा है, मेन कंटेंट प्रोटीन है। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है और इसी प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी की बोन्स, मसल्स और दूसरे ऑर्गन्स की ग्रोथ जो है वो हो पाती है। दिस हार्मोन ड्रास्टिकली अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस हाइट। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ग्रोथ हार्मोन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को प्रमोट करता है, इसलिए इस हार्मोन की वजह से पर्सन की हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और हाइट पे असर पड़ रहा है मतलब इंडिविजुअल की अपीयरेंस के लिए जो है वो ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि वो पर्सन कैसा दिखाई देगा, लंबा दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो जो भी उसकी अपीयरेंस है वो अपीयरेंस को अफेक्ट ये हार्मोन करता है। अगर इस हार्मोन का फ्लो हमारी बॉडी के अंदर या छोटे बच्चे की बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाता है तो वो पर्सन ड्वार्फ रह जाता है। ड्वार्फिज्म नाम की कंडीशन उसमें देखने को मिल रही होती है, जिसमें पर्सन काफ़ी छोटा दिखाई देगा, स्मॉल स्टैचर दिखाई देगा नॉर्मल के कंपैरिजन में, नॉर्मल प्रोपोर्शन के कंपैरिजन में। और अगर इस हार्मोन का फ्लो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो बच्चा जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, उसकी हड्डियाँ लंबी होने लग जाती हैं और काफ़ी वो लंबा दिखाई दे रहा होता है या जॉइंट शेप साइज का दिखाई दे रहा होता है, दानवाकार जिसे आप कहते हैं, बौना और दानवाकार शरीर इसी हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। अगर ये हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, कम सीक्रेट हो रहा है तो पर्सन बौना रह जाता है, और अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो पर्सन काफ़ी लंबा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं दिस हार्मोन drastically affects the appearance of an individual because it influences height. If there is too little growth hormone in a child, that person may become a pituitary dwarf of normal proportions but small stature. मतलब person छोटा रह जाएगा. And if an excess of the hormone in a child results in an exaggerated bone growth and the individual becomes exceptionally tall or a giant. तो person काफ़ी लंबा दिखाई देने लग जाता है अगर ये hormone बहुत ज़्यादा release होना start हो जाए body के अंदर। अब हम अगर इसके action देखें कि growth hormone क्या क्या action कर रहा है, तो इसके action में सबसे पहला action है
this stimulate the growth of bones, cartilage and connective tissue. इसके अंदर ही अगर हम देखें तो somatomedins are synthesized in the liver in response to stimulation by the growth hormone. मतलब जब ये growth hormone हमारे अंदर release हो रहा है तो उस growth hormone के stimulation की वजह से हमारे liver के अंदर somatomedin secrete होना start हो जाता है या बनना start हो जाता है. पहली condition ये है. और दूसरा, the effects of growth hormone skeletal growth are mediated by somatomedins. और यही somatomedins जो है वो हमारे skeletal growth के लिए भी responsible बनता है. मतलब जब ये growth hormone release हो रहा है तो इसकी वजह से liver में आपके somatomedin नाम का substance बनेगा और ये somatomedin जो है वो growth को promote करेगा हमारे skeletal part के अंदर. skeletal growth के लिए responsible होता है ये somatomedins. तो आपको इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है ग्रोथ हार्मोन वाली स्लाइड के अंदर हमने ग्रोथ हार्मोन का एक्शन कैसे वो बताया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है. ये ग्रोथ हार्मोन एक तो मसल ग्रोथ करवा रहा है और दूसरा ये लीवर के अंदर जो दूसरा आपको ग्रीन एरो दिखाई दे रहा है वो लीवर के अंदर सोमेटोमेडिन को सिंथेसाइज कर रहा है. इस सोमेटोमेडिन की वजह से हमारी बोन की ग्रोथ हो रही है. मतलब स्केलेटल ग्रोथ दिखाई दे रही है. ये डायग्राम आपको इस चीज को इंडिकेट कर रहा है. तो पहला फंक्शन तो था ग्रोथ हार्मोन का स्टिम्यूलेटिंग द ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा फंक्शन है इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म. थर्ड फंक्शन इज इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो ये तीन मेन फंक्शंस हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन कर रहा है. बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ करवाता है. दूसरा, प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म पर इसका असर पड़ता है. और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म पर भी इसका असर होता है. ग्रोथ कैसे करवाता है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये सोमेटोमेडिन को सिंथेसाइज करेगा लीवर में. अब ये प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म से कैसे जुड़ा हुआ है. तो पहला तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में तो ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन को जो है, ग्रोथ हार्मोन इज प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन. एनाबॉलिज्म मैंने आपको पहले बताया हुआ है. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस. तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ग्रोथ हार्मोन, इसलिए हम इसको प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन भी कहते हैं. तो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है यानी प्रोटीन को बनाने में हेल्पफुल है. दूसरा, मिनरल मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन. तो ये हमारी जीआईटी से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा तो वो हमारे बोन्स के अंदर जाएगा जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत बनती है. तो ये मिनरल का मेटाबॉलिज्म कर रहा है. तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को तो ये बढ़ाता है पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एक्सक्रीशन होता है किडनी से उससे रोक देता है. मतलब ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ये आपकी बॉडी से निकल नहीं पाते, आपकी बॉडी में बने रहते हैं. तो ग्रोथ हार्मोन इन जो एलिमेंट्स हैं उनको बना भी रहा है, एब्जॉर्ब भी करवा रहा है. बना रहा है मतलब एब्जॉर्ब करवा रहा है आपकी बोन्स में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट ना हो जाए उसको भी रोकने का काम ग्रोथ हार्मोन का होता है. तो इस तरह से प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है ग्रोथ हार्मोन. थर्ड फंक्शन हमने कहा कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है. तो कार्बोहाइड्रेट में ग्रोथ हार्मोन डायबेटोजेनिक होता है. डायबेटोजेनिक का मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन को डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज के अमाउंट को बढ़ा देता है आपकी बॉडी में. एंड दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया. सो ग्रोथ हार्मोन इज डायबिटोजेनिक बिकॉज इट प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया. तो ये इसका असर है कार्बोहाइड्रेट पे. ग्रोथ हार्मोन का फैट मेटाबॉलिज्म पे क्या असर होता है? तो ये कैटाबॉलिक इफेक्ट दिखाता है. कैटाबॉलिक इफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया है. कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना. एनाबॉलिज्म मतलब बनना, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना. तो ग्रोथ हार्मोन हैज कैटाबॉलिक इफेक्ट दैट इज इंक्रीजेस मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यूज. एडिपोज टिश्यू से फैट निकलता है.
फैट अगर जाता बनता तो एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाता, पर ये एडिपोज टिश्यू से निकलता है, निकलता है तो आपकी बॉडी की दूसरी ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। तो ये फैट मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन का रोल है। तो तीन रोल हमने ग्रोथ हार्मोन के पढ़े। फर्स्ट रोल कह रहा है कि बोन्स कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ को स्टिम्यूलेट करता है ये हार्मोन, क्योंकि ये सोमेटोमेडन्स नाम के सबस्टांस को हमारे लीवर में बनाता है। दूसरा फंक्शन है प्रोटीन और मिनरल का मेटाबॉलिज्म करता है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के काम आता है और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है, प्लस बहुत सारे एलिमेंट्स का एक्सक्रीशन हमारी किडनी से रोकता है ग्रोथ हार्मोन। थर्ड फंक्शन था कार्बोहाइड्रेट और फैट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में ये डायबिटोजेनिक होता है और हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर देता है, जबकि फैट मेटाबॉलिज्म में ये एडिपोज टिश्यू से फैट का मोबिलाइजेशन, मतलब एडिपोज टिश्यू से फैट निकलता है इस हार्मोन की वजह से, इसलिए इसका इफेक्ट कैटाबॉलिक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में। तो इस डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या क्या कैसे कैसे रोल कर रहे हैं। तो केमिकल एनर्जी जो आपको कार्ब, फैट और दूसरे सबस्टांसेस से मिल रही है, केमिकल वेस्ट CO2 वाटर की फॉर्म में निकल रहे हैं, हीट निकल रही है आपकी बॉडी में, ATP का रोल है, ATP आप जानते हैं हमारी एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की, फिर मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये ATP बनी प्लस हीट बना, तो इन सब के अंदर ग्रोथ हार्मोन का रोल होता है। अब ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो प्राइमरली हाइपोथैलेमिक, दो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स जो हैं वो ग्रोथ हार्मोन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये बात हम अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड में बता रहे हैं। द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, और वो कौन से दो हार्मोन्स हैं, पहला है GH रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा GH इनहिबिटिंग हार्मोन। नाम से समझ में आ रहा है GH रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा जब ज़रूरत होगी हमारी बॉडी में, जबकि GH इनहिबिटिंग हार्मोन जब GH यानी ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है उस समय GH के सीक्रेशन को रोकने के लिए GH इनहिबिटिंग हार्मोन हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो स्टिम्यूलाई इंक्रीजेस GH। अब कौन कौन से GH को बढ़ाते हैं, कौन कौन से ऐसे स्टिम्यूलेशन है हमारी बॉडी में जो इसको बढ़ा रहे हैं, सिक्रीशंस बाय स्टिम्युलेटिंग GHRH रिलीज, एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। तो एक्सरसाइज और स्ट्रेस के दौरान ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है GHRH, क्या है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का रिलीज ज़्यादा होने लग जाता है जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं। जैसे GHRH का रिलीज बढ़ेगा तो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जबकि कौन से स्टिम्युलाई हैं जो GH सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, तो वो स्टिम्युलाई जो GHIH के रिलीज को प्रमोट करेंगे, जैसे कि सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन। सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन जो है वो GHIH के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने जो पहले पढ़ा था वो सोमेटोमेडिन था और ये सोमेटोस्टैटिन है, तो आप कंफ्यूज ना हो, सोमेटोस्टैटिन जिसे हम GHIH भी कहते हैं, इसका रिलीज जब हो रहा होगा तो GH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, और GHRH का रिलीज अगर हो रहा होगा तो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है GHRH की वजह से और सीक्रेशन कम होता है GHIH या सोमेटोस्टैटिन के रिलीज से। अब ये तो हमने ग्रोथ हार्मोन और उसके फंक्शंस, उसके इफेक्ट हमने पढ़े, और हमने अपने स्टार्टिंग में ये बात भी बोली कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो अगर कम या ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है तो ये हमारी बॉडी पे अलग अलग तरह का इफेक्ट दिखा रहा होता है। अगर ये कम रिलीज हो रहा है तो ड्वार्फिज्म कॉज करेगा, और अगर ये ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो जायजेंटिज्म कॉज करेगा। तो ये थोड़ा बहुत रिलीज ज़्यादा हुआ तो या थोड़ा बहुत कम हुआ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर अगर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये डिजीज़ का रूप ले लेता है। इसलिए हम नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है डिजीज़ रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। तो कौन सी डिजीजेस के अंदर आएंगी, जो हमने सबसे पहली बोली जायजेंटिज्म इसके अंदर आएगा। तो जायजेंटिज्म को आप इस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं कि जब GH का
ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और जनरली ये एडोलिसेंस स्टेज के अंदर होगा, छोटे बच्चे के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं रिलीज हो सकता। तो एडोलिसेंस स्टेज जब हमारे अंदर हॉर्मोन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जब प्यूबर्टी की स्टेज होती है उसको हम एडोलिसेंस स्टेज कहते हैं, उस समय जीएच का अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तो उससे होने वाली डिजीज़ को हम जाइजेंटिज्म कहते हैं, जो आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है। खली की ये फोटो दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया वो बहुत एक लंबा चौड़ा इंसान है, और यही जाइजेंटिज्म डिजीज़ की वजह से होता है। इस डिजीज़ के अंदर पर्सन काफ़ी लंबा दिखाई देता है, टॉल स्टैचर, बाइलेटरल गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया मैं आपको बता दूँ, जो मेल के अंदर चेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल्स की तरह हो रहा होता है उसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। बाइलेटरल का मतलब है दोनों साइड के जो इसका चेस्ट वाला रीजन है जिसे हम फीमेल्स में ब्रेस्ट कहते हैं, थोड़ा बहुत उसकी तरह प्रोडक्शन दिखाई दे रही है या फिर ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो आपको सेकंड डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो ब्रेस्ट रीजन है वो थोड़ा सा ग्रो कर गया है दोनों साइड। तो बाइलेटरल गायनेकोमेस्टिया आपको देखने को मिल रहा है। और थर्ड, लार्ज हैंड एंड फीट, ऑब्वियस सी बात है भाई, हाथ पैर भी काफ़ी बड़े हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मजबूत से दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइजेंटिज्म के। पहला, पर्सन लंबा दिखाई दे रहा होता है। दूसरा, दोनों साइड गायनेकोमेस्टिया यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट रीजन लाइक फीमेल्स, ऐसा मेल में जब होता है तो हम उसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं क्योंकि फीमेल्स के अंदर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। एंड थर्ड वन इज लार्ज हैंड एंड फीट। तो ये हुई पहली डिजीज़ जाइजेंटिज्म। सेकंड, ग्रोथ हार्मोन की वजह से होने वाली डिजीज़ है एक्रोमिगैली। जब जीएच का सीक्रीशन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होने लग जाता है एडल्टहुड के अंदर, तो उस बीमारी को हम एक्रोमिगैली कहते हैं। एडोलिसेंस में हो रहा है तो जाइजेंटिज्म कहलाता है, और एडल्टहुड में हो रहा है तो एक्रोमिगैली कहलाता है। एडोलिसेंस स्टेज टीनेज को कहते हैं हम, जब टीनेज ग्रुप के अंदर बच्चे होते हैं उस समय अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हुआ तो जाइजेंटिज्म, और एडल्ट स्टेज के अंदर अगर वो ज़्यादा हो गया तो एक्रोमिगैली। अब एक्रोमिगैली में पर्सन कैसा दिखाई दे रहा होता है, तो ब्रॉड थिक नोज, उसकी नाक काफ़ी चौड़ी और मोटी हो जाती है, स्किन काफ़ी मोटी हो जाती है, उसके जो आईब्रोज होते हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट घने दिखाई दे रहे होते हैं। और प्रोनाथिज्म का मतलब है जो मैंडिबल पार्ट है वो बड़ा और चौड़ा हो जाता है, तो नाक बड़ी हो जाएगी, स्किन मोटी हो जाएगी, आईब्रोज काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाएंगे और मैंडिबल पार्ट जो है मुंह का वो काफ़ी लंबा और चौड़ा हो जाता है। तो ये बीमारी है एक्रोमिगैली, आपको फोटो में भी दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी थर्ड डिजीज पढ़ रहे हैं, दैट इज ड्वार्फिज्म। जब जीएच का सीक्रेशन कम हो जाता है या बहुत कम हो रहा होता है, पहली दो डिजीज थी जब जीएच का सीक्रेशन ज़्यादा होता है। तीसरी डिजीज़ है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जीएच का सीक्रेशन बहुत कम हो रहा है या डेफिशिएंसी है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है हाइट कम रह जाएगी, शॉर्ट स्टेचर दिखाई देगा, जेनाइटल पार्ट भी उस पर्सन के ऑब्वियस स्मॉल हो जाएंगे नॉर्मल के कंपैरिजन में, और उसकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो काफ़ी डेलिकेट हो जाएंगी, हाथ पैर कमज़ोर दिखाई दे रहे होंगे। जबकि जाइजेंटिज्म में हमने पढ़ा काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी है, ड्वार्फिज्म में ऐसी नहीं देखने को मिल रही होती है। तो ये तीसरी डिजीज़ है ड्वार्फिज्म। तो ये हमारा टॉपिक जो है ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसके बारे में हमने इतना डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हम दूसरा हार्मोन भी ले लेते हैं आज ही, तो थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ लें इस टॉपिक को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारे अंदर, आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये हमारे अंदर क्या रोल प्ले करता है, मैमरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और मैमरी ग्लैंड ना केवल डेवलप होती है, इवन उसके अंदर मिल्क का सिंथेसिस भी होना स्टार्ट हो जाता है प्रोलैक्टिन की फंक्शन की वजह से। आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है प्रोलैक्टिन, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के फंक्शंस होते हैं कि प्रोलैक्टिन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये फीमेल्स के अंदर देखने को मिल रहा होता है।
कब ऐसा होता है? जब बेबी सक कर रहा होता है निप्पल को, तो सेंसरी इम्पल्स मिलते हैं निप्पल को, और वो निप्पल से सेंसरी इम्पल्स निकल करके जा रहे होते हैं और प्रोलैक्टिन का रिलीज हो रहा होता है, और ये प्रोलैक्टिन मिल्क का सिक्रीशन करने लग जाता है, और प्रोलैक्टिन नाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। दूसरा, सिक्रीटेड आफ्टर फीड टू प्रोड्यूस नेक्स्ट फीड। भाई एक बार जब बच्चे को फीड करवा दिया तो उसके बाद नेक्स्ट फीड करवाने के लिए हो सकता है फर्स्ट फीड में थोड़ा सा टाइम लग जाए मिल्क को रिलीज होने पर अगर एक बार करवा दे तो नेक्स्ट फीड बहुत आसानी से हो जाता है। और अगर ये कंटिन्यू आप फीडिंग करवा रहे हैं बच्चे को, अगर माँ अपने बच्चे को कंटिन्यू फीडिंग करवाती है, तो इसका इफेक्ट तीसरा ये देखने को मिलता है कि ओव्यूलेशन सप्रेस हो जाता है। ओव्यूलेशन उस दौरान नहीं होगा जिस दौरान माँ बच्चे को फीडिंग करवा रही होती है। तो इस पॉइंट से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो प्रोलैक्टिन का एक्शन है, या हम सिंपल वर्ड्स में कहें जो फीडिंग का प्रोसेस है, वो एक तरह का नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम रिप्रोडक्शन को कुछ समय तक रोक सकते हैं जब तक हम चाहें। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव में सबसे अच्छा मेथड जो होता है वो यही मेथड है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है बच्चे को, तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होगा, ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। तो ये तो हुआ प्रोलैक्टिन का एक्शन। अब दूसरा, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि प्रोलैक्टिन का सीक्रीशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रोलैक्टिन का जो सीक्रीशन है उसके लिए स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स भी बॉडी में पाए जाते हैं और इनहिबिटरी फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। भाई जब सीक्रीशन करवाना है तो स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स वहाँ मौजूद होंगे तो सीक्रीशन होगा, और अगर इनहिबिटरी फैक्टर्स वहाँ मौजूद होंगे तो उसका सीक्रीशन बंद हो जाएगा। अब कौन से हैं वो स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स? तो देखिए, होते क्या हैं स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स? दे एक्ट वाया स्टिम्युलेटिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, जैसे एक्सरसाइज के दौरान, इमोशनल स्ट्रेस के अंदर, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब ये चार वो कंडीशंस हैं जो कि किसी फीमेल के अंदर प्रोलैक्टिन का रिलीज को स्टिम्युलेट कर रही होती हैं। एक्सरसाइज के दौरान आपको फोटो के अंदर दिखाई दे रहा होता है, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस में आ रहा है, पर्सन बहुत दुखी है, तब भी इसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है, और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये तो हैं स्टिम्युलेटिंग फैक्टर्स, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इनहिबिटरी फैक्टर्स दिखाए गए हैं इस प्रोलैक्टिन के। तो इनहिबिटरी फैक्टर्स क्या हैं? विच इज रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, इनहिबिट्स प्रोलैक्टिन सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। इनहिबिटरी फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले प्रोलैक्टिन के सिक्रीशन को रोक देंगे, और इसमें जो नाम आता है इनहिबिटरी फैक्टर में वो है डोपामाइन। ये एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है डोपामाइन, जो कि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन रोक देता है। तो हमने सेकेंड हार्मोन भी पढ़ लिया है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। फर्स्ट हमने पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हमने पढ़ा प्रोलैक्टिन, तीसरा हार्मोन हम एंटीरियर पिट्यूटरी का पढ़ रहे हैं, दैट इज TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नाम से पता चल रहा है आपको कि ये क्या काम करता होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये दो तरह के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, T3 एंड T4। T3 को हम ट्रायोडोथायरोनिन यानी T3 कहते हैं, जबकि T4 का दूसरा नाम है थायरोक्सिन। तो T3, T4 रिलीज होते हैं TSH के द्वारा। अब नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ACTH। TSH हो गया, TSH आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज हो रहा है, ये TSH थायराइड को स्टिम्युलेट कर रहा है, थायराइड से थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज हो रहा है इस स्लाइड में ऐसा आपको दिखाया गया है।
नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो ये कि आप TSH का दूसरा नाम भी नोट कर लीजिए, इसे हम थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। TSH इज ऑल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन और ये हमारे थायराइड की ग्लैंडुलर सेल्स को थायराइड हार्मोन को सीक्रीशन करने के लिए स्टिम्युलेट करता है। मतलब थायराइड की ग्लैंडुलर सेल्स से थायराइड हार्मोन का सीक्रीशन होता है। और अगर TSH का सीक्रीशन बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में होने लग जाए तो थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़ी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन को सीक्रीट करना स्टार्ट कर देती है, जो कि एक डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने सुना भी है कई लोगों के मुंह से कि हमें थायराइड हो गया। वो थायराइड हो गया का मतलब यही है कि उन लोगों में TSH का रिलीज काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, जिससे कि उनकी थायराइड ग्लैंड काफ़ी एनलार्ज हो जाती है, थायराइड हार्मोन उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा हार्मोन आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और जब पर्सन जनरली अगर किसी बायोलॉजिकल स्ट्रेस में होता है तो इस हार्मोन का रिलीज बॉडी से होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स प्रिंसिपल इफेक्ट्स आर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इस हार्मोन की वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है और उसका रिलीज भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ये इसका मेन फंक्शन है कि ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, उसके रिलीज को बढ़ा देता है, इसलिए इसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। आपको डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है हाइपोथैलेमस से ये CRH जो है वो रिलीज हो रहा है। CRH कॉर्टिको ट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पर अपना असर दिखाएगा, तो वहाँ से ACTH रिलीज होगा। ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पे असर दिखाएगा, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को रोक देगा कि बस हार्मोन अब आप और ज़्यादा रिलीज ना करें, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, ऐसा स्लाइड के अंदर बताया गया है आपको। तो ये जो ACTH है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पर जो रिसेप्टर साइट्स होती है उनसे ये रिएक्ट करता है और कॉर्टिकल हार्मोन को कॉर्टिकल हार्मोन के सीक्रीशन को स्टिम्युलेट करता है। पर्टिकुलरली कौन से हार्मोन को? कॉर्टिसोल को। तो कॉर्टिसोल रिलीज होना या सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे सीक्रेट हुआ ये? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में रिसेप्टर साइट्स पाई जाती है, उन रिसेप्टर साइट से ये ACTH बाइंड होता है और बाइंड होकर के कॉर्टिसोल के रिलीज को ये स्टिम्युलेट कर देता है। और ये इस तरह का मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर साइट्स या सेल के अंदर जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनसे ये हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के अंदर आपको बताई है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स हमारी बॉडी में पाए जाने वाले गोनाड्स में जो रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं उनसे रिएक्ट करते हैं। गोनाड्स जैसे ओवरीज और टेस्टिस में पाए जाने वाली रिसेप्टर साइट से गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स रिएक्ट करेंगे और ये इन ऑर्गन्स की, ओवरीज और टेस्टिस जिसे हम गोनाड्स कहते हैं, इन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए और इनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कहिए रेगुलेट करते हैं ये डेवलपमेंट ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द गोनाड्स, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। उन पर्टिकुलरली कौन से हार्मोन को? कॉर्टिसोल को। तो कॉर्टिसोल रिलीज होना या सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। कैसे सीक्रेट हुआ ये? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में रिसेप्टर साइट्स पाई जाती है, उन रिसेप्टर साइट से ये ACTH बाइंड होता है और बाइंड होकर के कॉर्टिसोल के रिलीज को ये स्टिम्युलेट कर देता है। और ये इस तरह का मैकेनिज्म हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं। तो सेल के ऊपर जो रिसेप्टर साइट्स या सेल के अंदर जो रिसेप्टर साइट्स होती हैं उनसे ये हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं और अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो वही चीज़ हमने यहाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के अंदर आपको बताई है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स।
गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में पाई जाने वाली गोनाड्स में जो रिसेप्टर साइट्स पाई जाती हैं उनसे रिएक्ट करते हैं। गोनाड्स जैसे ओवरीज और टेस्टिस में पाई जाने वाली रिसेप्टर साइट से गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स रिएक्ट करेंगे और ये इन ऑर्गन्स की ओवरीज और टेस्टिस जिसे हम गोनाड्स कहते हैं इन ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए और इनके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या आप कहिए रेगुलेट करते हैं ये डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द गोनाड्स, गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन। उन गोनाड्स की वजह से ही हमने इनको ऐसा नाम दिया है कि गोनेडोट्रॉपिक हॉर्मोन्स रिएक्ट विद रिसेप्टर साइट्स इन द गोनाड्स लाइक ओवरीज एंड टेस्टिस टू रेगुलेट द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गन्स। और अब इसके अंदर कौन कौन से हॉर्मोन्स आते हैं वो हम थोड़ा सा देख लें। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है FSH, जिसे हम फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन कहते हैं। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही सिंथेसाइज होता है, वहाँ से ये सीक्रेट होता है और ये बॉडी के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के लिए, उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए और प्यूबर्टी के दौरान जो मैच्यूरेशन पर्सन के अंदर आ रहा होता है उस मैच्यूरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। रेगुलेट्स द डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्यूरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। आपको डायग्राम के अंदर इसी स्लाइड में डायग्राम है जो दिखाई दे रहा है आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ हॉर्मोन तो वो ओवरी पे अपना असर दिखा रहा है। तो ओवरी पे क्या असर दिखा रहा है कि एग वगैरह का ये फॉर्मेशन कर रहा होता है। FSH और LH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, एग के मैच्यूरेशन के लिए ये दोनों हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट हॉर्मोन है LH, दैट इज यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। इट इज अ हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज भी आपको दिखाई दे रही है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यूटिनाइजिंग हॉर्मोन रिलीज होता है। फीमेल्स के अंदर LH का अगर राइज देखने को मिल रहा होता है तो उससे ओव्यूलेशन का प्रोसेस उनकी बॉडी में चलता है और कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट भी इसी LH की वजह से हो रहा होता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ये हालांकि आप अपनी स्कूल में पढ़ करके आए हैं, आपने 11th 12th के अंदर ये चीज़ें पढ़ी है, पर फिर भी हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को डिटेल में वापस से हम पढ़ेंगे। तो फीमेल्स के अंदर ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करवाता है, मतलब ओव्यूलेशन को शुरू करता है और कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए ये हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि मेल के अंदर LH का रोल होता है कि टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हॉर्मोन है उसके प्रोडक्शन को स्टिम्युलेट करेगा, मतलब LH के द्वारा ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर LH का रोल है। आपको डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम भी दिखाया गया है इसी स्लाइड के अंदर, जिसमें दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी पे जा रहा है, पिट्यूटरी से LH FSH रिलीज होता है जो कि मेल के अंदर टेस्टिस के ऊपर अपना असर दिखाता है, जबकि फीमेल्स के अंदर ये ओवरीज पे अपना असर दिखाता है। ओवरीज से हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जो अगर ज़्यादा रिलीज हो गए तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखाएंगे पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस वगैरह पे जब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, मतलब उस मैकेनिज्म के थ्रू ये इनके हार्मोन्स के रिलीज को रोक देते हैं। सेम चीज़ जब ये टेस्टिस पे असर दिखाएगा तो उसे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, और जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी को ये मैसेज भेजता है कि सफिशिएंट अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो गया है, इससे ज़्यादा रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे एंटीरियर लोब, यहीं पे ये टॉपिक हम ख़त्म कर देते हैं। तो इंटरमीडिएट लोब और जो पोस्टर लोब है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है, आप इसे पढ़िए। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय।